फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल में। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे ट्वेल्थ क्लास साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो न्यू पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि बिहार बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है कि आपको कहीं से भी वो सवाल पूछ सकता है। तो इसलिए आज इस वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिए, अच्छे से रिविजन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी से ही लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो वीडियो को अच्छे से आप देखने के बाद इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और बाद में देखिएगा कि आपको कहाँ से सवाल पूछा गया है, क्योंकि बिहार बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है, वो कहीं से भी सवाल उठा करके आपको पूछ सकता है। तो इसलिए आप इस सेट को अच्छे से देख लीजिएगा। और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर एक जो आपके स्क्रीन पर आ गया, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि मानसिक लब्धिति पद को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इस ये जो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है, टर्मन दिया हुआ है, स्टर्न दिया हुआ है, मेरिल दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो एक का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्टर्न। देखिए, अभी मेरे पास साइकोलॉजी का कोई टीचर नहीं था, लेकिन खुद से मैं इसको अपने से ही बनाया हूँ। अगर कुछ इसमें अगर त्रुटि होगा तो आप लोग भी इसका जवाब बता सकेंगे, इसमें अगर कुछ गलती हो तो। ठीक है, तो मैं कोशिश किया हूँ पूरी तरह से कि सही सही जवाब दे पाऊँ इसका। ठीक है, तो पहला इसमें क्या कह रहा है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स स्पेरमियन, ठीक है, थर्न डाइक, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, थर्न डाइक ऑप्शन नंबर सी इसका विल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। मनोविज्ञान में बुद्धि लब्धि पद को किसने प्रस्तुत किया था। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ, टर्मन दिया हुआ, स्टर्न दिया हुआ, मेरिल दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो तीन नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टर्न। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रियोमात्मक सिद्धांत में कितने कारक सम्मिलित है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। क्रेसमर्स ने किस प्रकार के व्यक्तिगत को साइकोलाइड कहा है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, कृष्णकाय प्रकार, पुष्टकाय प्रकार, अस्थूलकाय प्रकार, मिश्रकाय प्रकार। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया, पांच का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी अस्थूलकाय प्रकार। चलिए फिर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत का आत्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर छः का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। व्यक्तिगत के आकारात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया था। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, सात का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अल पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, आठ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, सेल्वे तथा मेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। किसने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, नौ नंबर का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, मास्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है। सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है। आपके सामने चार अंश दिया हुआ है, मनोग्रंथि दिया हुआ है, मतलब आद आवारूप दिया हुआ है, परसोना दिया हुआ है, एनिमा दिया हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर दस का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब आद प्रारूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सोल्डन के व्यक्तिगत का आयताकार प्रकार क्रेसमर के किस व्यक्तिगत प्रकार से मिलता जुलता है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, अस्थूलकाय प्रकार, कृष्णकाय प्रकार, पुष्टकाय प्रकार, उसके इनमें से कोई नहीं। ग्यारह का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अस्थूलकाय प्रकार। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। विचारों यानी प्रेरणाओं के आवश्यकताओं एवं देश के परिसर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुए विजोपोप या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, बारह का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी द्वंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, तेरह का तीव्रता दिया हुआ है, पूर्णियमयता दिया हुआ है, नियंत्रण नियोक्ता दिया हुआ है, क्रमबद्धता दिया हुआ है। ठीक है, तेरह का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विल बी द राइट आंसर डी, क्रमबद्धता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। सामान्य अनुकूल एवं संलक्षण के संपत्ति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। चौदह का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, हंस शैली। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय सामान्य अनुकूल यानी संलक्षण उत्पन्न करने वाला तनाव अवधारणा यानी अवधारणा अवस्थाओं का सही अनुक्रम है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, आपको इसका आंसर बताना है ठीक है कमेंट सेक्शन में इसका, 15 नंबर क्वेश्चन का ठीक है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप, इसमें क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन का कि भीरो या भागो अनुक्रिया का संबंध किससे है ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कैनन से ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ गया, ध्यान से देखिएगा। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिकता मानसिक योग्यता का उपस्थिति होती है, ये आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं जो 18 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस के उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, किस भाषा से हुई है, तो इसका राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर क्या आपका विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैटिन से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं, MMPI में कितने कथन हैं ठीक है, MMPI में कितने कथन होते हैं, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 314। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, निम्नांकित में कौन सा असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक असंतुलन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं, अपराध शास्त्र का पिता कौन है, यानी अपराध शास्त्र का पिता कौन है, तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्रिसमर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं, डिमेनासिया में प्रोक्स का दूसरा नाम क्या है, यानी डिमेनसिया का प्रोकोस का दूसरा नाम क्या है ठीक है, तो इसका 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्थिर व्यायाम में हो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि मनोविदालिनता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, निम्नांकित में से कौन एक बेमल पद है ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, 24 राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मनोविदालिता ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, बुलिमिया किस तरह का विकार है, बुलिमिया किस तरह का विकार है, 25 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, भोजन विकार है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, 16 PF को किसने विकसित किया था, 16 PF को जो किसने विकसित किया, 26 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, कैटल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं जिन्हें कहा जाता है क्या, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक दबाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा, मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा, 28 का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि लोग किस कारण समूह से जुड़ता है, यानी किस कारण से वो समूह में जुड़ता है, आत्मसम्मान से, स्टेटस से, सुरक्षा से, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित आपदा नहीं है देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या यूज करना है, युद्ध, महामारी, सुनामी और ए और बी दोनों दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, यानी भोपाल में जो वो घटना हुआ था यानी गैस रिसाव का, तो ये जो होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1984 में ये घटना हुई थी ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा, 5 जून को निम्नांकित में से कौन सी दिवस मनाया जाता है, तो आपको मालूम होगा कि 5 जून को क्या कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर गाइस अगर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर देंगे। चलिए फिर हम लोग देखिए आप लोगों का यानी कितना 33 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस कब मनाया जाता है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है ठीक है, 2 अक्टूबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं, साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, परामर्श का उद्देश्य होता है, परामर्श का जो उद्देश्य होता है इनमें से कौन सा होता है, 35 राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बुद्धि सीखने को की योग्यता है किसने कहा था, बुद्धि
सीखने की जो योग्यता है। तो किसने कहा था 36 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बकिंगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कैरेन हर्निक के व्यक्तिगत सिद्धांत का क्या नाम है। ठीक है, कैरेन हर्निक के व्यक्तिगत सिद्धांत का क्या नाम है, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का सिद्धांत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसका 38 को आप देखिए ध्यान से, 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रदाय दिया है। किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रदाय दिया है। ठीक है, आज का 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रोजर्स। 39 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सामान्य अनुकूल की किस अवस्था में व्यक्तिगत बीमार हो जाते हैं। तो देखिए हम लोग 35 तक ही आप लोगों को जवाब देना था, लेकिन यहाँ हम लोग अभी यानी 42 क्वेश्चन तक कवर कर रहे हैं। आपको 42 में आपको यानी कितना का जवाब देना है, यानी 35 का ही जवाब देना है। आप कहीं से भी जवाब दे सकते हैं इसका, ठीक है, तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिसारांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो आपका बहुत करीब आ चुका है, तनाव के मुख्य स्रोत कौन है। ठीक है, तनाव के जो मुख्य स्रोत है तो इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया था। तो 41 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पतंजलि। ठीक है, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष समाधान युक्त यहाँ है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर देना, और मेरे चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर आप एडमिशन करना चाहेंगे तो इसमें एक बार कॉल कीजिएगा 9162055090। ठीक है, एडमिशन के लिए संपर्क करें, इसमें करें स्टार्ट करना हम लोग।